चंबा जिला के अंतर्गत आने वाले चुराह विधानसभा क्षेत्र के ची पंचायत में लैंडस्लाइड होने से स्कूल के दो कमरों को हुआ नुकसान। एक कमरे में भारी भरकम चट्टान आने से कमरे में रखा सारा सामान टूट गया। इसके अलावा दीवारों को भी नुकसान हुआ है। बता दें कि सर्दियों के स्कूल 13 फरवरी से खुलने वाले हैं, ऐसे में बच्चों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि चुराह प्रशासन ने राजस्व विभाग की अपनी टीम यहां भेजी है, जो रिपोर्ट तैयार करने के बाद प्रशासन को सौंपेगी, उसके बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। इसी बीच चुराह विधानसभा क्षेत्र के विधायक हंसराज ने भी प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं कि जल्द स्कूल की मरम्मत करवाई जाए। जो भी स्कूल के लिए सहायता होगी वो अपनी निधि से जल्द जारी करेंगे, ताकि बच्चों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। हालांकि लोगों से भी अपील की है कि बारिश के मौसम में कहीं आने जाने की जहमत ना उठाएं। भारी बरसात के कारण जो है वो सामान्य जनता जो है वो पूरे प्रदेश में चंबा में अभी जो है वो त्रास चल रही है। उसी के तहत ही चुराह विधानसभा क्षेत्र में भी जगह जगह पर बहुत नुकसान हुआ है। विशेषकर जो मुख्य सड़क चंबा तीसा है उसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन प्रशासन को मैंने कहा है कि सारी चीज़ों पर नज़र दौड़ाए रखें। लेकिन इसी बीच जो है वो एक बहुत ही बड़ी घटना हुई है हमारे हिमगिरी इलाके में, जहां ची पंचायत में जो हमारा गवर्नमेंट मिडिल स्कूल ची था उसमें बहुत बड़ी चट्टान गिरी है। और वहां के स्थानीय लोगों से, एक्स प्रधान, मौजूदा प्रधान, सबसे बात हुई है और सब ने कहा है कि पूरी तरह से डैमेज हुआ है वो स्कूल। हमने प्रशासन को कह दिया है और क्लासें आगे शुरू होंगी, उसके लिए कुछ ना कुछ उचित प्रावधान हम करेंगे। और मैं जनता से यही कहना चाहूँगा कि बरसात का समय है, हम लोग अगर ज़रूरी नहीं है तो घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि एक तो हैवी स्नोफॉल भी हुआ है, भारी बारिश भी हुई है, जिस कारण जो है वो सामान्य चीज़ें जो है वो बहुत बिगड़ी हैं। इसीलिए मेरी अपील है आप सब जनता से कि अगर बहुत ज़रूरी नहीं है तो घर से बाहर ना निकलें। जिला के अंतर्गत आने वाले चुराह विधानसभा क्षेत्र के ची पंचायत में लैंडस्लाइड होने से स्कूल के दो कमरों को हुआ नुकसान। एक कमरे में भारी भरकम चट्टान आने से कमरे में रखा सारा सामान टूट गया। इसके अलावा दीवारों को भी नुकसान हुआ है। बता दें कि सर्दियों के स्कूल 13 फरवरी से खुलने वाले हैं, ऐसे में बच्चों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि चुराह प्रशासन ने राजस्व विभाग की अपनी टीम यहां भेजी है, जो रिपोर्ट तैयार करने के बाद प्रशासन को सौंपे, उसके बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। इसी बीच चुराह विधानसभा क्षेत्र के विधायक हंसराज ने भी प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं कि जल्द स्कूल की मरम्मत करवाई जाए। जो भी स्कूल के लिए सहायता होगी वो अपनी निधि से जल्द जारी करेंगे, ताकि बच्चों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। हालांकि लोगों से भी अपील की है कि बारिश के मौसम में कहीं आने जाने की जहमत ना उठाएं। भारी बरसात के कारण जो है वो सामान्य जनता जो है वो पूरे प्रदेश में, चंबा में अभी जो है वो त्रास चल रही है। उसी के तहत ही चुराह विधानसभा क्षेत्र में भी जगह जगह पर बहुत नुकसान हुआ है। विशेषकर जो मुख्य सड़क चंबा तीसा है उसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन प्रशासन को मैंने कहा है कि सारी चीज़ों पर नज़र दौड़ाए रखें। लेकिन इसी बीच जो है वो एक बहुत ही बड़ी घटना हुई है हमारे हिमगिरी इलाके में, जहां ची पंचायत में जो हमारा गवर्नमेंट मिडिल स्कूल ची था उसमें बहुत बड़ी चट्टान गिरी है। और वहां के स्थानीय लोगों से, एक्स प्रधान, मौजूदा प्रधान, सबसे बात हुई है और सब ने कहा है कि पूरी तरह से डैमेज हुआ है वो स्कूल। हमने प्रशासन को कह दिया है और क्लासें आगे शुरू होंगी, उसके लिए कुछ ना कुछ उचित प्रावधान हम करेंगे। और मैं जनता से यही कहना चाहूँगा कि बरसात का समय है, हम लोग अगर ज़रूरी नहीं है तो घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि एक तो हैवी स्नोफॉल भी हुआ है, भारी बारिश भी हुई है, जिस कारण जो है वो सामान्य चीज़ें जो है वो बहुत बिगड़ी हैं। इसीलिए मेरी अपील है आप सब जनता से कि अगर बहुत ज़रूरी नहीं है तो घर से बाहर ना निकलें।